ली साइड जी असा आया एली रोड के जानी डबला कोली साइड रास्ते चू एली रोड किन्नी है के जानी है बंजोसा झील ली साइड असा जाना पहले बंजोसा झील उसी बाद फिर चल सा डबला कोर्ट और बारिश भी तकने असों की लगी पी है। चलो मीन भाई इस जगह ना है खाई काला अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना क्या सारे पिना प्राप्त ठीक ठाक हसो खैरियत ना हसो अल्लाह पाक ने हसो अमान की हसो आज नहीं मज़ेदार जी वीडियो ना करने आगाज जैसा कि तुम्हें पता कि अस अपनी ट्रिप ना आगाज किया वा और इस टाइम असं मौजूद हैं रावला कोट के अंदर एक बड़ा खूबसूरत इलाका खाई गाला और तो तक हो सके बारिश भी लगी हुई अस सुबह ने निकलते हुए खाई गाला ने मुकाम पर हूँ पहुंचे और हूँ तकरीबन त्रै ना टाइम है अस हूँ चलना बंजोसा लेक जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत झील ही उसने बारे की असं बेशुमार मरतबा सुनता है और फोटो वगैरह भी तके लेकिन अज अस चलसा खुद ही तकसा और तुम भी इंशाल्लाह उसने नज़ारे करासा और बारिश भी हल्की हल्की लगी पी अगर चलने तकने की बारिश तेज़ उसी या क्या उसी और हूँ अस खाना खाता इतना एक होटल है खाई गाला नमकों पर हूँ अस अगर चलने और पहाड़ियों पर तकने उसके धुंध भी बहुत ज़्यादा है तकने के अगर अगला कोहली साइड क्या हुई सूरत हाल उसी पहले चलना अस बंजोसा झील पर और उसकी बाद फिर अगर अस चलसा रावला कोट शहर की और रास्ते की जो कुछ उसी तुम्हें दसा जी। चलो चलने जी बारिश तेज जैसी तो फिर मामला खराब जैसे सुन चलो जी चलने अमीन भाई मोटरसाइकिल ड्राइव कर सुन चलो अमीन भाई चलो जी अपना असं सफर तय किया तो बारिश तेज हुई पी सी असं है कि दो मिनट दुकानों की रुकने अज तो मोटरसाइकिल खिलाया दो मिनट असं रुकने तो फिर अस अपना अगला सफर तय करने देखी सकने कि दुकान जी है इतने रुके हैं तकने कि बारिश रुके तो फिर बारिश के बाद फिर मिनट अस अपना अगला सफर तय करा क्योंकि अज असा जाना पंजोसा झील तुम्हें दसनी है तकी सकने हो जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त व्यू है असो तो निकलते हैं दुकान चो तो हूँ बारिश तकरीबन रुकी हैगी है माशाल्लाह तकने हसो की थोड़ी थोड़ी धूप ही निकली हैगी है और माशाल्लाह तकने हसो की कितना खूबसूरत व्यू है और इस साइड तकने हसो निचली साइड दूध पी भी है माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है व्यू सा मैं कि तुम्हें दसने व्यू चेक कराने और हूँ फिर अस चलने अगर अगर चली दसें फिर बंजोसा झील ने नज़ारे कराने असो पहुंचे जी बंजोसा अब देखी सकने कि इतने पंगूरे वगैरह लगे हुए इस साइड भी अगर चलने हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद की आवाम आई हुई टूरिज्म आई हुई इतने पीने बारे इतने किन्ने भीड़ भी है टिकट मोटरसाइकिल लेना गड्डिया लेना कोई पता नहीं कि कितना टिकट किन्ने इंटर होने ना दोस्तों की बड़ी तादाद की वहाँ में मौजूद ही गड़ियाँ वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह बने आते हुए नजरीन हूँ अस पहुंची हैं बंजोसा जी झील ही इसने बड़ा ना सुनता सा और अज असा आए माशाल्लाह थकी सकने हो कि अली बंजोसा झील ही और थकने सो कि बड़ी तादाद की अज इतने आवाम आई भी अस भाई साहब ने गल की उन्हें दस कि ज्यादातर पाकिस्तान साइड इतने बंदे आए हुए चलो अस अगर चलने और इस साइड थकने सो कि बिच कश्तियाँ वगैरह चली रही आवाम सैर करी रही है झील नहीं अस अगर चलने तुम्हें दसा अगर ढोलों की आवाज़ आई रही चलने तकने के ढोलकियाँ बजाई रे क्या जी अगर माहौल है अगर चलने अस एक भाई सुना उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किसा उन्होंने को इसने मतलब थोड़ी मालूमत किसा कि हर वे इतने बंदे इस तरह रहने अज इस दिन बच्चे ज्यादा बंदे आए और मजीद गल बात होनी सुना जो जी अभी तकने सजी है इन्ना फटिया ने एक पुल जहा बनाया वा साइड ना लोहे की ग्रिल लगी हुई और इस नीचे फटे तकने उस चलने अगे तुम दसने जी बंजोसा झील नहीं आई सैर कराने सारी झील नहीं और माशाल्लाह तकने सो कि साइड नाल पहाड़ियों पहाड़ियों के दरमियान वाली बड़ी खूबसूरत जी झील
ढोल बगैरा और डांस बगैरा चली रही और असल था एक भाई मौजूद है मुकामी ने गलबात करने और पूछने इस झील ने बारे की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। चलो ठीक है, हैदी से है सब ठीक ठाक है। आपका नाम क्या है? कामिल व्यास। अच्छा, यहाँ के मुकामी हैं आप? जी हाँ, यहाँ के मुकामी रावलाकोट से। अच्छा, आप रावलाकोट से हैं। हम फर्स्ट टाइम आए और यहाँ पर आकर हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। यहाँ हर वक्त इसी तरह रश लगा रहता है या आज ईद की वजह से ज़्यादा वहाँ? ये ईद की वजह से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रश होता है, छोटी ईद पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा इतनी सर्दी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, दो तीन महीने बाद बर्फ़ पड़ेगी इधर, तो उसके बाद ये रश कम हो जाता है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है उधर, तो इसी वजह से यहाँ पे लोग इन्जॉय करने आते हैं। हमने देखा है कि अभी हम थोड़ा सा पीछे थे तो उधर बारिश लग गई थी और अभी मौसम ठीक हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया है। यहाँ पर इसी तरह होता है, अचानक बारिश लगती है तो अचानक मौसम साफ हो जाता है, या फिर आज इस तरह हुआ है? आपको तो पता है कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा होता है, आधी जगह पर बारिश लगी होती है, बाजू का इतनी बारिश लगी होती है, तो इसीलिए पाकिस्तान से लोग आते थे इन्जॉय करने। उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बिल्कुल, इसी वजह से इन भाई को थोड़ी सर्दी लग रही है, जिसकी वजह से इन्होंने कोट भी लगा लिया है। और ये जो इधर डांस हो रही है तो ढोल वगैरह हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे ये बस ये लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप देखाएं उधर कैमरे के तरफ। बिल्कुल अमीन भाई, आप दिखाएं और हम चलते हैं साथ साथ नाजरीन को दिखाते हैं कि यहाँ पर आप दिखाएं इधर। बिल्कुल, डांस हो रहा है, काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पर। बिल्कुल नजरें तक की सकने हो, डांस हुई थी, ढोल वगैरह बजी रहता है, वहाँ बड़ी तादाद इकट्ठी हुई हुई तो शोल मेला इतने लगाया मैंने ज़बरदस्त। वैसे डांस आपको भी आती है या नहीं? नहीं नहीं, मुझे डांस शांस नहीं आते। आप भी जाए इधर थोड़ी डांस करें ना? नहीं नहीं, मैं पहले करता था, छोटा होता था, तो उसके बाद मैंने ऑफर्स और ग्रांट पर गिफ्ट किया मैंने, तो इसलिए वैसे छोड़ दी है। अच्छा, उस वजह से छोड़ दी है। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, सही है। चलो इनकी हम नाजरीन को दिखाते हैं डांस वगैरह। सैडी ने कोई पार्किंग नहीं जगह बनाई सी, मोटरसाइकिल वगैरह इतना अस लिया सा और उन्हें अस अगर चलने तकी दोस्तों के माशाल्लाह बड़ी तादाद की वाम मौजूद ही चलने उस सैर पार से थोड़ा माहौल दसने और झील सो तकी दोस्तों और तो माशाल्लाह खूबसूरत जगह ही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त इतने इंतजाम किए मैंने, लेकिन इस झील ने पानी गंदा है, ये चीज़ अस तकी है इतने, लेकिन इसने बावजूद बड़ी तादाद की वाम इतना आई है घूमने फिरने वाले तकी दोस्तों के। माशाल्लाह पहाड़ियों के दरमियान एक गिरी हुई खूबसूरत झील और तुम दसी दें कि अवाम भी तकी दोस्तों के इस साइड तकरीबन जगह फुली अवाम नाल और इस साइड कोई फैमिली वगैरह इंजॉय कर रही थी, कश्तियाँ बैठी हुई घूमी फिरी रही और माशाल्लाह अच्छे इंतजाम वगैरह कितने उन्हें खाने पीने ने इस सर बर्गर वगैरह और कोई खाने पीने की चीज़ें वगैरह इतना इन्हें रखी हुई हैं। इस जगह से तुम चेक कराई दे झील ना व्यू देखी सकने माशाल्लाह माशाल्लाह इस सब जैसे फिर आखने के कश्मीर जन्नत नज़ीर।
बंजोसा झील से निकलते हैं तो थोड़े जगह गए हैं तो बंदे इस साइड आई जैसे असा है कि शहीदी तरीके की व्यू पॉइंट है इस साइड आए हैं मैं और अमीन भाई चेक किया है व्यू माशाल्लाह तकने उस बहुत ही ज़बरदस्त व्यू सर तकने उस मंजी तो मंजी पर चादर अपर इसने प्लेटी ने और इसके अलावा तकने उस पार पहाड़ियों ने व्यू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ अस है कि तुम दस साइड रोड जानी है मेन रोड निचली साइड ही उधर अस उधर आए उपर लिंक रोड इशनी सी और इस साइड कोई मकान वगैरह छप्पर वगैरह बनते हुए इस साइड आए हैं तो क्या असा व्यू तो माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया यकीन मनो बहुत ही टॉप ना व्यू आए चलो अगे चलने अगे चलसा तो मजीद फिर तुम्हें रवला कोट शहर ही दसने जी। हाँ जी नाजरीन अस बंजोसा झील से आए रवला कोट शहर ने अंदर और इतना गेस्ट हाउस आए इतना कमरा किराए पर किंदा आया क्योंकि रात इतना गुजारनी और सुबह अस अगे जाना है तौली पीली साइड और जी कल वीडियो इंशाल्लाह तुम्हें दसा रवला कोट शहर भी और इसके अलावा तौली पीर और जो मुख्तलिफ है खूबसूरत मकामात है तुम्हें दसा इतना कमरा किंदा है तुम्हें कमरा दसी कमरा किंदा दसी कि कमरा किस तरह ना है बैक कैमरे पर दसने तुम्हें थोड़ा कमरा और फिर तुम्हें जी दसा यह अस कमरा इतना किंदा है रवला कोट ने मुकाम पर और साइड स्क्रीन भी इसकी सहूलत ही मौजूद ही कमरा तुम चेक रहने कमरा सो तक और अस सुबह इतना निकलसा और जो अगले खूबसूरत खूबसूरत मकामात कश्मीर ने और अस एक्सप्लोर करसा और की उन्होंने ब्यूटी दसा और उम्मीद करने की अगली वीडियो भी तक जरूर पसंद है सुन हमारे चैनल की सब्सक्राइब करने और वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सारे बंदे तक ही सकन और कोशिश कर सकते जी लास्ट वीडियो सुन उन्हें तुम्हें दसा कि अस कितना तकरीबन खर्चा वगैरह आया और क्या कुछ इतने कमरे ने रेट वगैरह सारा कुछ इंशाल्लाह तुम्हें अगली वीडियो भी दसा और उनकी दो इजाजत अगली वीडियो तक नहीं रहे हसने रहो मुस्कुराने रहो उनकी दो इजाजत अल्लाह हाफिज़।